सी हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आपने सोचा भी कभी नहीं होगा, कभी नहीं आपने देखा भी नहीं होगा। कैसे, तो आपको बताते हैं। अंतर संबंधित प्रश्न, जैसे कि आपको डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, जो आपको डिफरेंस अंतर करने वाला क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो भी अंतर करने वाला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको डील करने वाला है। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर, आरएनए डीएनए में अंतर, आपको एल्कोहल फिनॉल में अंतर, मतलब जो अंतर संबंधित जो भी प्रश्न होता है इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक देखते रहिए। इसका भी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द्रव रागी एवं द्रव विरागी कोलाइड में अंतर। द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर, जिसको हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड भी कहते हैं। क्या, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से, यहाँ पे हिंदी मीडियम से, ठीक ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से कैसे देख सकते। चलिए, द्रोरागी द्रो विरागी यानी कि लायोफिलिक और लायोफोबिक, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े कण जो होता है, जो बड़े बड़े अणु जो होता है कणों के रूप में रहता है द्रोरागी में। द्रोरागी कोलाइड क्या होता है, उसके गुण क्या है, इसमें बड़े बड़े अणु जो होता है वो कण के रूप में रहता है। और यहाँ द्रो विरागी में क्या होता है, छोटे छोटे जो अणु होता है वो कण के रूप में रहता है। समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए लायोफिलिक और लायोफोबिक, लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या है, तो यहाँ पे लायोफिलिक में क्या होता है, बड़ा बड़ा अणु होता है कण के रूप में रहता है। और यहाँ लायोफोबिक में क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होता है वो अणु के रूप में रहता है। समझे कि नहीं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो द्रोरागी में क्या होता है, यह अधिक अस्थायी होता है। यह कहते होता है, यह अधिक मतलब अस्थायी होता है। समझ रहे ना, यह बहुत अधिक अस्थायी होता है। और यह इसके लिए कम अस्थायी होता है। ये क्या होता है, कम अस्थायी होता है, ठीक ना। तो द्रव विरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है, जिसको लायोफोबिक कहते हैं। लायोफोबिक क्या होता है, कम अस्थायी होता है। और लायोफिलिक क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो द्रव रागी यानी कि लायोफिलिक क्या कहता है, इस पर आवेश की मात्रा शून्य होता है। इस पर चार्ज जो होता है शून्य होता है, सीधा उस पर चार्ज होता है शून्य होता है लायोफिलिक में। और लायोफोबिक में क्या होता है, इस पर जो आवेश का मात्रा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे द्रोरागी क्या होता है, इसमें बड़े बड़े जो कण होता है अणु के रूप में रहता है। और द्रव विरागी में छोटे छोटे जो अणु होता है कण के रूप में रहता है। जो द्रोरागी होता है यानी कि लायोफिलिक होता है वो अधिक स्थायी होता है, और द्रव विरागी जो होता है कम स्थायी होता है, ठीक ना। द्रोरागी की बात करें, ये जो लायोफिलिक है इस पर जो चार्ज होता होता है, आवेश जो होता है वो न्यूट्रल यानी कि शून्य होता है। जो अमाउंट जो चार्ज होता है इस पर शून्य होता है, जीरो होता है। और यहाँ जो लायोफोबिक है यानी कि जिसको हम द्रव विरागी कहते हैं, वो उसके लिए चार्ज जो होता है उस पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखे होइएगा। तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करना है। और इस पर आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन सजेशन के तौर पर कम टाइम में अच्छा नंबर लाना है तो आपको ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास तो नोट्स है, लेकिन बहुत सारा नोट्स है, इतना नोट्स है जो कि आपको याद नहीं कर सकते, पता नहीं चल रहा कि क्या याद करें क्या याद नहीं करें। इसलिए सजेशन के तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए आप। बहुत चीप प्राइस चल रहा है भाई, ऑफर चल रहा है 399 में, ऑल सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक नंबर वाला क्वेश्चन, दो नंबर वाला क्वेश्चन, तीन जो पाँच नंबर वाला क्वेश्चन, सब दिया जा रहा है इस नंबर कॉन्टेक्ट करके, तो आप ले सकते हैं। चलिए, टू नंबर जो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। आरएनए और डीएनए में अंतर, यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको केमिस्ट्री के लिए साथ साथ बायोलॉजी में भी यह क्वेश्चन काम आता है। जो भी जिसका बायोलॉजी है, यह बायोलॉजी में भी काम आता है। आरएनए एवं डीएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एवं डीएनए, ठीक ना, इसमें अंतर बताना है आपको। चलिए देखिए, आरएनए जो होता है यह एक कुंडलित होता है। सो आरएनए होता है यह एक कुंडलित होता है, और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, एक कुंडलित होता है, यह होता है द्विकुंडलित होता है डीएनए। और डीएनए आरएनए क्या होता है, आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, जबकि डीएनए अभी अणुसूत्रों में पाया जाता है। क्या होता है, जो आरएनए होता है वह कोशिका द्रव में पाया जाता है, और डीएनए जो होता है इसके लिए वह क्या होता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए बेस के लिए होता है, अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता है, जबकि डीएनए क्या होता है, अनुवांशिकी पदार्थ होता है। ये तीन जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी अंतर संबंधित है अभी और लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ना, बहुत मजा आएगा। और इससे बेहतर तैयारी अब कोई नहीं करा सकता हमको लगता है, क्योंकि हर टॉपिक बाय टॉपिक हमको लाते हैं आपके लिए,
ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, अंतर संबंधित अलग, मतलब रिएक्शन अलग, मतलब सब चीज़ अलग अलग करके देते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बस वायरल क्वेश्चन डाल रहे हैं, बस कुछ वायरल क्वेश्चन नहीं होता है जी, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक ना, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम होता है, ऐसा मत पढ़िए, ठीक ना। तो आरएनए डीएनए मंत्र क्या है? तो आरएनए क्या है? एक कुंडलित होता है, डीएनए क्या है? द्विकुंडलित होता है। आरएनए में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है? अनुवांशिकी पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिकी पदार्थ आरएनए नहीं होता, लेकिन डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है, याद रखिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे जो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है पीडीएफ नोट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक से, जो कि बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, उसको पढ़ते तो 80% प्लस आराम से कर सकते हैं, इजी से, कम टाइम में, क्योंकि हम हर साल देते हैं, इतना साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना, इसमें पर कंटेक्ट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या मुलरता और मुललता में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलरता और मुललता में अंतर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, चलिए देखते हैं। तो मुलरता क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की कुल संख्या को मुलरता कहते हैं। क्या कहा? 1 लीटर विलयन में घुले विलयों की कुल मोलों की संख्या मुलरता कहलाता है। तो मुलरता क्या कहलाता है? तो 1 केजी विलायक में, कहा 1 केजी, यहाँ पे 1 केजी विलायक में घुले विलय की कुल मोलों की संख्या को हम लोग मुलरता बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 1 केजी है, लीटर और केजी में अंतर है। तो यहाँ पे 1 लीटर विलयन में घुले कुल विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मुलरता बोलते हैं। मुलरता की बात करें, 1 केजी विलायक में घुले कुल विलायों की मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मुलरता बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मुलरता ताप पर निर्भर करता है। सो मुलरता होता है वो ताप पर निर्भर करता है, जबकि मुललता होता है ताप से स्वतंत्र होता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना। और यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि कौन होता है जो कि ताप से स्वतंत्र होता है, जो ताप पर निर्भर नहीं करता, इस पर ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन देगा मुलरता, मुललता, निर्मलता, तो वहां पे मुललता मारिएगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए मुललता जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता, ये ताप से स्वतंत्र होता है, समझ गए। देखिए मुलरता की बात करें तो इसका एसआई मात्रक मोल पर लीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर लीटर की बात किया गया है। और मुललता की बात करें तो मोल पर केजी होता है, समझ गए ना। तो क्या होता है? मोल पर केजी। देखिए जो भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी यूट्यूब पर आपने देखा भी नहीं होगा जो आपके लिए ला रहे हैं हम, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक करना तो बनता है प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम, और एक और बात, टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, ठीक ना। तो देखिए मुलरता क्या, मुलरता क्या, सब फिर से समझाते हैं। मुलरता है 1 लीटर 1 केजी 1 लीटर विलयन में घुले हुए कुल मोलों की संख्या को मुलरता कहते हैं। और मुलरता क्या होता है? 1 केजी विलायक में घुले हुए कुल मोलों की संख्या को मुलरता बोलते हैं। मुलरता जो होता है ताप पर निर्भर करता है, जबकि मुललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ये मुलरता होता है या मुललता होता है, कन्फ्यूजिंग नहीं ना। मुलरता होता है मोल पर लीटर होता है, जबकि मुललता क्या होता है? मोल पर केजी होता है, उसका एसआई मात्रक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है यहाँ पे? भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर करें, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर करें। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण, ठीक ना। और काफ़ी बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भौतिक अधिशोषण देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें जो अधिशोषण होता है उसका ऊष्मा का मान जो होता है कम होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें जो अधिशोषण होता है उसका ऊष्मा का मान अधिक होता है, उसमें ऊष्मा जो हो रहा है वो अधिक होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान अधिक होता है, ठीक ना। चलिए भौतिक अधिशोषण ताप, भौतिक अधिशोषण जो होता है वो ताप बढ़ने पर घटता है, क्या होता है? ताप बढ़ने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? ताप बढ़ने पर बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट था कि भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक ना। और याद रखिएगा ये घटेगा या बढ़ेगा, दोनों में टेम्परेचर को हाई करेंगे, टेम्परेचर जो इंक्रीज करेंगे, जो टेम्परेचर को अगर हम, तो इसमें क्या होगा? उसका बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? घटेगा। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो भौतिक अधिशोषण अति विशिष्ट, मतलब यह विशिष्ट नहीं होता है, ये विशिष्ट नहीं होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अति विशिष्ट होता है।
ये तीन पॉइंट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको एग्जाम में दो पॉइंट तो लिखना जरूरी है, फिर भी आपको हर क्वेश्चन में तीन पॉइंट देने का प्रयास करते हैं। तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम में होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है इसमें भौतिक जो अधिशोषण होता है उसका ऊष्मा का मान अधिक होता है। और यहाँ पे भौतिक अधिशोषण की बात करें तो इसमें अधिशोषण ताप जो ताप होता है बढ़ने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो ताप बढ़ने पर क्या होता है बढ़ता है। ये हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें, यह विशिष्ट नहीं होता है जबकि यह अति विशिष्ट होता है, समझ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नंबर यहाँ पर दिख रहा है, नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कम टाइम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्रासरण एवं विसरण में अंतर बताइए। ये प्रासरण और विसरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आता है। प्रासरण और विसरण में अंतर करें और प्रथम कोटि अभिक्रिया को भिन्नसक को प्राप्त करें, ठीक ना। तो आप लोग बताते रहिए, देखिए टॉपिक बताइए, किस टॉपिक पर वीडियो लाए आपके लिए, प्लीज़ टॉपिक बताइए, हमको पता है कहाँ लाना है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। और जो आप नोट्स पीडीएफ लेना था हमारे इस नंबर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहाँ से एग्जाम तक हेल्प किया जाता है और टोटल नोट्स पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक ना। प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे प्रासरण और विसरण, देखिए तो प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, जो प्रासरण होता है उसकी क्रिया को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक ना। लेकिन विसरण, विसरण जब एक तक घोल गया उसको रोक नहीं सकते, ठीक ना। तो विसरण की क्रिया को मतलब मिल गया, विसरित हो गया तो उसको हम रोक नहीं सकते, ये जरूर याद रखिएगा। तो प्रासरण को क्रिया को रोका जा सकता है, विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। सेकेंड पॉइंट की बात करें, प्रासरण केवल विलायक में होता है, प्रासरण केवल विलायक में होता है, और विसरण क्या होता है, विसरण केवल यहाँ पे विसरण केवल विलयन में होता है। विलायक और विलयन में क्या फर्क होता है, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ पे क्या टॉपिक है, नाइन्थ का, ठीक है ना। देखिए विलायक जो होता है जो अधिक मात्रा में होता है, विलयन वो होता है जिसको हम लोग शरबत, शरबत जैसे मान लो शरबत में क्या होता है पानी और चीनी, तो पानी वहाँ पे विलायक का काम किया और चीनी क्या विलय का काम किया और दोनों मिलकर जो शरबत बना वो बन गया विलयन, समझ गया ना। तो विलायक जो प्रासरण होता है विलायक में होता है और जो विसरण होता है विलयन में होता है, यानी कि जो घोल बन गया उसको विलयन कहते हैं, विलयन में होता है। चलिए प्रासरण की क्रिया अर्धप्रगम्य झिल्ली से होता है, जो प्रासरण होता है उसमें अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। उस अर्धप्रगम्य झिल्ली के बिना प्रासरण की क्रिया नहीं होता है, जबकि विसरण की क्रिया जो होता है, विसरण की क्रिया में अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अर्धप्रगम्य झिल्ली है या ना है, लेकिन प्रासरण जो होता है उसमें अर्धप्रगम्य झिल्ली होना आवश्यक है, ये जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन लगभग तीन से चार एग्जाम में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर। देखिए एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर, सबसे पहले बात एल्कोहल का सूत्र होता है OH, फिनॉल का सूत्र होता है इस प्रकार से, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें OH, यानी कि जो यह बेंजीन में जब यहाँ पर लगा, बेंजीन में OH लगा, इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक ना, बेंजीन में इसको फिनॉल बोलते हैं, या इसको सूत्र लिख सकते हैं क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, क्योंकि यहाँ पे OH लगाना है तो एक OH कम करेंगे ना, तो एक H कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, H5 और यहाँ पे OH, यानी कि लिख सकते हैं C6H5OH, इतना हो जाएगा, ये फिनॉल का सूत्र हो गया। तो यह भी एक अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्कोहल एंड फिनॉल में अंतर, तो एल्कोहल यहाँ पे लिखते हैं, फिनॉल यहाँ पे लिखते हैं, तो एल्कोहल के OH के द्वारा दर्शाते हैं, फिनॉल के C6H5OH के द्वारा दर्शाते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, एल्कोहल क्या होता है, उदासीन होता है, एल्कोहल क्या होता है उदासीन, मतलब क्या होता है उदासीन होता है, जबकि फिनॉल क्या होता है यहाँ पे अम्लीय होता है, क्या होता है यह फिनॉल होता है अम्लीय होता है, जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, ठीक ना। एल्कोहल की बात करें यह क्या होता है युग्मक प्रतिक्रिया नहीं होता है, जबकि फिनॉल जो होता है युग्मक प्रतिक्रिया लाल होता है, इसमें युग्मक प्रतिक्रिया होता ही नहीं है, वह युग्मक प्रतिक्रिया लाल होता है किसमें, फिनॉल में। तो एल्कोहल में क्या होता है युग्मन जो प्रतिक्रिया होता है नहीं होता है, प्रतिक्रिया नहीं होता है, जबकि फिनॉल में युग्मन प्रतिक्रिया लाल होता है। यह तीन गो पॉइंट था और तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का जो सूत्र होता है, एल्कोहल का सूत्र OH होता है, फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है, एल्कोहल उदासीन होता है, फिनॉल क्या होता है अम्लीय होता है, एल्कोहल की बात करें तो युग्मन प्रतिक्रिया नहीं होता, जबकि फिनॉल में क्या होता है युग्मन प्रतिक्रिया लाल होता है। यह जरूर याद रखिएगा, तीन पॉइंट था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
नोट्स भी ले सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके, नंबर बगल में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर करें। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, जैसे 2018 में पूछा था, 2021 में पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर करें, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मिथेनोइक एसिड में जो मिथेनोइक अम्ल होता है एसिड में, एक क्या होता है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है। जो मिथेनोइक अम्ल में होता है यह कहता क्या है, इसमें जो मेन अंतर जो यही है, जो मिथेनोइक अम्ल एसिड में क्या होता है कार्बोक्सिलिक जो क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि इथेनोइक अम्ल में क्या होता है, इथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से बंधे मिथाइल क्या होता है, मिथाइल समूह होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसमें मिथाइल समूह होता है, बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें, और यह सटीक आंसर है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ताम झाम लेकर बहुत भर दिए, जो कि नहीं, इस साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में मेन टॉपिक देखा जाता है। तो क्या मिथेनोइक एसिड में क्या होता है कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह से क्या होता है एसिड समूह से होता है, समूह में बंधे क्या होता है मिथाइल समूह होता है, यह इसका मेन अंतर था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, इस प्रकार से क्वेश्चन है प्राथमिक, देखिए अभिक्रिया के अणविकता एवं कोटि में अंतर करें। जो अभिक्रिया होता है अभिक्रिया का अणविकता और कोटि में अंतर करना, कोटि और अणविकता में बार बार अंतर पूछता है, तो क्या क्या हो सकता है इसका अंतर, देखिए अणविकता और कोटि, एक मिनट, हाँ अणविकता और कोटि में अंतर क्या है, देखिए अणविकता क्या होता है, अभिक्रिया का अणविकता शून्य नहीं होता है, याद रखिएगा, लेकिन अभिक्रिया का कोटि जो ऑर्डर होता है वो शून्य हो सकता है, क्योंकि आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, यानी कि कोटि जो होता है शून्य हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया का जो अणविकता है वह शून्य नहीं हो सकता, अभिक्रिया का अणविकता पूर्ण रूप में रहता है, जो अभिक्रिया का जो अणविकता होता है पूर्णांक के रूप में रहता है, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से, लेकिन अभिक्रिया का जो कोटि होता है वो कोटि पूर्णांक एवं भिन्न दोनों हो सकता है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ठीक ना, यानी कि भिन्नात्मक और पूर्णांक दोनों के रूप में कोटि हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, लेकिन अणविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अभिक्रिया का अणविकता अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो अभिक्रिया का जो अणविकता होता है उसके दर को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो अभिक्रिया के कोटि होता है उसके दर को प्रभावित करने वाले कारक पर भी निर्भर करता है। यह इसका 3 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा, अभिक्रिया का अणविकता शून्य नहीं होता है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, होती है, अभिक्रिया का अणविकता पूर्णांक के रूप में रहता है, यानी कि पूर्ण अंक के रूप में रहता है, जबकि अभिक्रिया का जो कोटि होता है पूर्णांक एवं भिन्नात्मक दोनों होता है, अभिक्रिया का जो अणविकता होता है, जो अभिक्रिया की अणविकता वह उसके दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है, जबकि अभिक्रिया के कोटि जो होता है उसके दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 पॉइंट था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, प्लीज़, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, ज्वाइन करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आदर्श बिलियन एवं अनादर्श बिलियन में अंतर। देखिए और क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आदर्श बिलियन एवं अनादर्श बिलियन में अंतर, ठीक ना, तो आदर्श बिलियन एवं अनादर्श बिलियन में अंतर क्या है आपको बताते हैं। तो आदर्श बिलियन क्या है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श बिलियन क्या है, राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि आइडियल सोल्यूशन, नन आइडियल सोल्यूशन, देखिए यहाँ पर नन लिखना चाहिए, नन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि नन आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, समझ के ना। और सेकेंड पॉइंट की बात करें, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, किसमें, आदर्श बिलियन में, जबकि अनादर्श बिलियन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं एस मैक्स 0 है, यानी कि इसका परिवर्तन शून्य होता है, जबकि यहाँ पे 0 नहीं होता, यानी कि परिवर्तन शून्य नहीं होता। तो इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, किसमें, आदर्श विलयन में। तो आदर्श विलयन में क्या होता है, आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, जबकि अनादर्श विलयन में क्या होता है, आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन का आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जैसे 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इस सेंटर में भी पूछा होता, ठीक ना। तो आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, वैसे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन क्या है,
ताप और सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसको अनदर स्पिलियन कहते हैं। ये भी इसके लिए डिफिनेशन हुआ इसका, और ये भी इसके लिए अंतर हो गया, समझ गए। लाइक कर देना है, लेकिन पीडीएफ नोट्स लेना मत भूलना है। अगर आप पढ़े भी हैं, बहुत सारा कुछ पढ़े, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में देखते हुएगा आईआईटी जेई मीन्स बच्चा तो पास कर लेता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वह पूरा बुक पढ़ने के चक्कर में पड़ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पढ़ना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, बहुत चीप प्राइस चल रहा है, ओनली 399 ऑल सब्जेक्ट का ऑफर चल रहा है, ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। सटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर। चलिए, सटकी दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो अवयवी कण है उसमें जालक बिंदुओं से छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, गायब हो जाता है, ठीक ना। यह होता है सटकी दोष। सटकी दोष होता है इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सटकी दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। इसको इतना बार आपको पढ़ा रखा है, आपको याद होगा। इस क्या होता है फ्रेंकल सटकी दोष, क्या होता है इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष क्या होता है अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। सटकी दोष में क्या, इसमें उपसंयोजक संख्या निम्न होता है, जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है उपसंयोजक संख्या उच्च होता है, ठीक ना। और यहाँ पर सटकी दोष की बात करें, इसका घनत्व कम हो जाता है, जबकि इसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कैसे आपको समझाते हैं। जो सटकी दोष होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है जालक बिंदुओं के गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पे जालक बिंदु है, ये छोड़कर गायब हो गया। जब गायब हुआ तो यहाँ पे जो जगह हुआ खाली हो गया ना, यहाँ पे जगह जो खाली हो गया, तो इसके लिए घनत्व में कम हो जाता है, इसका घनत्व कम हो जाता है। और अब बताते हैं, और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये जो अवयवी कण है वो जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला गया, यानी कि यहाँ छोड़कर यहाँ पे आ गया, लेकिन उसी रूम में ना, उसी जालक में रहा ना, जो यह जालक बना इसे जालक के अंदर रहा ना, तो यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पे पूरा हो गया ना, यानी कि इसमें कमी नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, सटकी दोष जो अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, ठीक ना। इसका उपसंयोजक संख्या निम्न होता है, किसका, सटकी दोष का। फ्रेंकल दोष का, फ्रेंकल इफेक्ट का जो होता है, उपसंयोजक संख्या जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उच्च होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है, हाई होता है, समझ गए ना। सटकी दोष का घनत्व कम होता है, फ्रेंकल दोष में जो घनत्व होता है परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रख रहे हैं, उससे पहले प्लीज़ यहाँ क्या कीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और इस नंबर कॉन्टैक्ट करके आप क्या पीडीएफ नोट्स लेना है, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट ऑफर चल रहा है, ले सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th पीडीएफ क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट न्यूज़, यहां से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।